स्कूल के जैसे लाइन लगने लग गई है यहाँ पे बच्चों की। एक एक करके अंदर जाएंगे लोग सारे। मैगी तैयार हो रही फिलहाल अभी। हम लोग जी टी नगर में आए थे, जी नगर में हमें मिले चाचा और सोनी का, तो वेट कर रहे थे। तो हम लोग बैठे हैं अभी रेस्टोरेंट सम्राट। तो हम आ चुके हैं बाहर के लिए, तो हम लोग निकल चुके हैं और अभी रास्ते में हैं। तो हमको पहुँचना धोला कुआँ, आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज है एक, तो वहाँ पे पढ़ा इनका मैडम का सेंटर। तो अभी जा रहे हैं। भाई फ़ोन पे क्यों लगी हो, जल्दी जल्दी निकलो भाई। हो गया पढ़ाई, जितनी करनी थी हो गई। तो दोस्तों आज मैं एक नए ब्लॉग के साथ आत्माराम कॉलेज के लिए जा रहा हूँ, तो ज़रूर अपडेट करूँगा आपको आज का पूरा डे। बने रहना हमारी वीडियो में। तो फाइनली हमें आपसे कैब मिल गई थी, कैब बुक करनी डायरेक्ट की टाइम का और उनको कुछ पता नहीं था। मैं डायरेक्टली कैब और ये अपना पढ़ाई स्टार्ट कर चुके हैं। फोन लगा के पानी कितना पड़ेगी, ओवरलोड ना हो जाएगा ना, आराम से पढ़ना। और गर्मी वहाँ पर, आज का मौसम भी बहुत अच्छा है। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं कॉलेज में। भीड़ बहुत है यहाँ पे, लड्डू भीड़ तो बहुत है यार बच्चों के। यहाँ पे रोड नंबर लगे हुए हैं सबके। और तुम्हें मिल गया ना, स्कूल के जैसे लाइन लगने लग गई है यहाँ पे बच्चों की। एक एक करके अंदर जाएंगे लोग सारे। रहता शायद सामने नहीं पे। ये लगी हुई है फ़ोन में भी। एजुकेशन का पेपर है हमारी मैडम श्वेता का, तो ये जा रही है पेपर देने के लिए फिलहाल। और सही टाइम पे पहुँचे वैसे, कोई इतना वो नहीं था। और आज पेपर क्या है, नेक्स्ट टाइम से हम आएंगे नॉर्मली मेट्रो से। तो भीड़ तो बहुत है बच्चों की यहाँ पे, आधे अंदर जा चुके हैं और आधे यहाँ पे। तो एक कॉलेज यहाँ पे आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज यूनिवर्सिटी। बीबी तो गई अंदर अब, और बच्चे जा रहे हैं अंदर फिलहाल। तो यहाँ पे हम लोग सारे हैं, तो पेरेंट्स हैं अपने बच्चों के लिए आ रहे हैं यहाँ पे। साइड में बैठे हुए हम लोग, तो वेट करेंगे हम यहाँ पे अपने अपने बच्चों का। सके लिए देखते हैं क्या करें, बीच में नींद भी बहुत आ रही है। तो दोस्तों फिलहाल हो रहा हूँ मैं बोर, और मैं जा रहा हूँ थोड़ा किसी शॉप पे कुछ खाने के लिए या फिर कुछ पीने के लिए, देखते हैं क्या मिलता है यहाँ पर। नाश्ता भी नहीं किया ना, ब्रेकफास्ट तो जा रहा हूँ। देखिए मुझे लग चुकी है भूख, और मैं आया हूँ यहाँ पर। मैगी बना रही है आंटी, मैगी खाएँगे। मैगी तैयार हो रही फिलहाल अभी, यहाँ से बनाऊंगा। ठीक है, मैगी हो चुकी हमारे तैयार। देखिए तो फाइनली हो चुका है पेपर ख़त्म। तो कुछ बच्चे आ रहे हैं, कुछ बच्चे अभी नहीं आए। हमारी मैडम भी अभी अंदर ही है, तो वो अभी नहीं आई है अभी। तो वेट कर रहा हूँ बहुत टाइम से यहाँ पे, बट वही है कि बहुत टाइम लग रहा है यार, दिन काटना बड़ी मुश्किल हो रहा है।
सभी का हो चुका पेपर। फाइनली पेपर हुआ इनका लगा और हम निकल गए घर के लिए। तो इस बार हम मेट्रो के रूट से जाएंगे। मॉर्निंग में तो कैब से आए थे बट हम जाएंगे मेट्रो वाले रूट से, तो देखने कैसे कैसे निकलते हैं यहाँ से। और हम वेट कर रहे हैं यहाँ पे कौन सी लाइन जाएगी, ट्रेन को जो कौन सी वाली है उसका वेट कर रहे हैं फिलहाल। लाइन का रूट देखो बहुत ज़्यादा टाइम लग गया है यहाँ पे। और हम आए थे मस्जिद, ये क्या कहते थे, धोलकुआ से आज़ादपुर, आज़ादपुर से चेंज की है हमने धोलकुआ से आज़ादपुर से हमने चेंज की। और अभी समयपुर बादली वाली जो लाइन है येलो लाइन है उसको पकड़ेंगे, क्योंकि वहाँ से फिर हम मॉडल टाउन और मॉडल टाउन से अपने जीटीबी नगर दो स्टेशन दूर है यहाँ से। फिर जाके हम जीटीबी नगर से अपना जो भी कैब वगैरह जो भी मिलेगा वहाँ से निकलेंगे। बट ये वाला रूट बहुत लंबा पड़ेगा, नेक्स्ट टाइम से कैब ही करेंगे। ट्राई जो ये श्वेता तो बहुत शौक में है, तो कह रही है, तो देखिए इसका मुंह कितना प्यारा बन चुका है। तो हमारी मैडम ये ठहर जा। तो हम लोग जीटीबी नगर में आए थे, जीटीबी नगर में हमें मिले चाचा और सोनी का, तो वेट कर रहे थे। तो हम लोग बैठे हैं अभी रेस्टोरेंट सम्राट, सम्राट रेस्टोरेंट है यहाँ पर। और ये हमारे चाचा जी एकदम दबंग बने हुए हैं गर्मी के चक्कर में, चश्मे ग्लासेस पहने बढ़िया आज के डेट में। और ये अपना ऑर्डर करेंगे, देखो ना तो पहले ऑर्डर कर दिया है सोनिका ने। तो देखो स्पेशली लोग बैठे हैं यहाँ पे जम। तो हमारा ऑर्डर तो आ चुका है, मसाला डोसा तीन घंटा चार घंटा से खाली पेट कचौर मंगाया था मैंने आपने। हाँ सोना मजा आ रहा है, पेट भर गया ना? हाँ बेटा पेट भर गया चाचा, फिनिश। और हम निकलेंगे हम अपने घर के लिए। तो हम आ चुके हैं बाहर के लिए, आगे तो थोड़ी नहीं भी दोस्तों। पहुंच चुके हम अपने नदपुरा और सीरियसली बहुत गंदी धूप है बाहर। और जो भी इस टाइम में बाहर है मैं तो बोलता हूँ पानी और ग्लूकोन डी जरूर लेके चलें अपने साथ, आराम से पियो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। और हम भी पहुंच चुके हैं घर पे और बहुत ज़्यादा भूख भी लग रही है, मतलब भूख क्या लग रही है, पर वही है पानी पीने, जो ठंडा पानी पीना ना एकदम चिल्ड वाला, तो पी के अपना प्यास बुझा के आराम करेंगे। और आज मदर्स डे भी है तो देखते हैं शाम को सेलिब्रेट करेंगे मदर के साथ, आज तो एक माँ यहाँ भी है। और चलो देखते हैं जो भी रहेगा, मिलते हैं घर पे आपसे।